हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरी वन। सुब संध्या मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, आशा तो मुझे यही है आपसे। आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खूब अच्छे से पढ़िए, इंजॉय करिए, अच्छे नंबर ले आइए। आप 2-3 महीने से मेरे साथ टच में हैं, जिस प्रिपरेशन में हम लगे हैं, मैं चाहती हूँ कि अब अच्छे से अच्छा नंबर ले आएँ सभी बच्चे, और सभी बच्चे पास हो जाएँ। पास होने का एक बढ़िया जो अचीवमेंट का रहेगा सबका, वो बहुत अच्छा रहेगा। उस दिन फिर बात करने में बहुत मज़ा भी आएगा कि हाँ, इस सारे बच्चे पास हो गए। बस मेहनत करिए फ्रेंड्स, अच्छे से अच्छा। आइए बात करते हैं यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं। आज मैं यहाँ पर अधिगम के सिद्धांत को तो मैंने स्टार्ट कर ही दिया था आपसे, ये बाल विकास की क्लास है। एक सिद्धांत से जो बिल्ली वाला था, बिल्ली बिल्ली म्याऊं म्याऊं, वो मैंने आपको पूरा बताया था। आज मैं आपको एक नया सिद्धांत बताऊंगी, नए प्रतिपादक से मिलवाऊंगी, जिन्होंने इसी तरह से सिमिलर कई सारे, मतलब ऐसे सभी ने दिए। आपको याद हो जाएगा, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, इंटरेस्ट के तरीके से जब समझने का प्रयास करेंगे समझ में आ जाएगा। आप जुड़े हैं शानी का साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, बिना कहे वीडियोस को लाइक करिए, जितना हो सके उतना चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, जहाँ भी हैं सबके साथ शेयर करिए, अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ में आइए, क्लास करिए, अटेंड करिए। कोई प्रॉब्लम होती तो आप हमसे पूछिए। नोट्स वगैरह आपके पास अगर नहीं है पढ़ने के लिए, नहीं है तो टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करिए, वहाँ पर राज सर हैं, आपको उनसे नोट्स मिल जाएगी, वो भी आपके लिए हेल्पफुल है। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पर हमको रिवीजन करने के लिए फिर जो है तुरंत चाहिए होता है कि हम कुछ रिवीजन कर पाएँ, शॉर्ट टर्म में फटाफट चीज़ों को देख पाएँ, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने यूपीटेट की क्लास स्टार्ट कर दी रात में 9 बजे, तो आप आइए, देखिए, सीखिए, कोई प्रॉब्लम होती तो पूछिए। फ्रेंड्स, स्टार्ट तो मैंने सिद्धांत कर दिया था, तो ये आपको मैंने पहला सिद्धांत बताया था, प्रयास और भूल का सिद्धांत, ठीक है, त्रुटि का सिद्धांत जिसको कहते हैं। आज मैं बताऊंगी क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्या बताने चल रही हूँ? हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। अब ये क्या है, किसने दिया, किस पे प्रयोग किया, सारी बातों को जानेंगे, जैसा कि हमने थॉर्नडाइक का जाना है। आइए बढ़ते हैं अपने क्रम में आज की क्लास में। फ्रेंड्स, मैंने ये वाला जो है कल ही परसों में आपको पढ़ाया था, बताया था ना ये वाला, तो इसमें कुछ खास नहीं था। मैंने बोला था रिवीजन करवा देंगे, तो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं आप ही ओरली बताती हूँ क्या है थॉर्नडाइक के प्रयास और भूल का सिद्धांत क्या है। चलते हैं वो बिल्ली वाले प्रोग्राम पर, जहाँ पर इन्होंने पूरे प्रोग्राम को, देखो फ्रेंड्स, यही है प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। सबसे पहली बात जो याद रखनी है वो इनके प्रतिपादक का नाम याद रखना है, ठीक है। इनके प्रतिपादक का नाम आप मत भूलना कि कौन था। इसमें इन्होंने क्या किया है, एक बिल्ली को लिया। ये बिल्ली जो है ना बहुत भूखी थी, भूखी भी थी, और फिर उसके बाद थॉर्नडाइक साहब ने क्या किया, इसको एक पिंजड़े में बंद कर दिया। इसका नाम है पजल बॉक्स, ठीक है। जब इसने, थॉर्नडाइक साहब ने भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया, उसको और ज़्यादा भूख लग गई, और उसके बाद देखिए ये ऐसे लाइन लाइन बना हुआ है और यहाँ से बाहर दिख रहा है, और ये यहाँ पर मांस का टुकड़ा रख दिया। एक तो बिल्ली को अंदर बंद भी कर दिया है, भूख भी लगी है उसको खूब ज़ोर से, और बाहर मांस का टुकड़ा रख दिया है। तो ये मांस का टुकड़ा जो यहाँ पर है, ये उद्दीपक है। ये क्या है, ये उद्दीपक है। और जो बिल्ली अनुक्रिया करेगी, जो ये कार्य करेगी, छटपटाएगी, खोलने का प्रयास करेगी कि कैसे खुल ले, कैसे गेट खुल जाए, हम जाके खा लें उसको, तो वो अनुक्रिया करेगी। इसीलिए इसको उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है, जो थॉर्नडाइक साहब ने दिया। क्योंकि उद्दीपक सामने रखा है, और बिल्ली के द्वारा जो क्रिया की जा रही, जो एक्टिविटी निभाई जा रही, जो कार्य किया जा रहा है, वो अनुक्रिया हो गई। तो यहाँ पर थॉर्नडाइक साहब ने देखा कि एक बार बिल्ली मतलब एक खूब दबा रही, उछल कूद कर रही है, और यहाँ पर एक खटका लगा हुआ है जो उसके पैर के पंजे से एक बार कैसे अचानक से दब जाता है, और बिल्ली को पता नहीं चलता है कि क्या हुआ। उस गेट खुलता है और वो खाने की तरफ भागती, क्योंकि उसको भूख लगी रहती है। फिर उसके बाद फिर जब वो देखता है, तो थॉर्नडाइक फिर क्या करते हैं, इसको ले जाकर फिर बंद कर देते हैं। तो वो यही फिर करती, फिर वो तनका जो एक घंटी है दब जाती है, फिर वो बाहर निकलती, फिर खा लेती है। जो पहली बार निकल कर खाई, दूसरी बार, उसके बीच में कम समय लगता है। पहले अगर 1 घंटा लगा होगा उसको खोलने में, तो दूसरी बार उसको 1/2 घंटा लगा। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर थॉर्नडाइक साहब ने उसको बंद कर दिया, फिर वो 15 मिनट में करने लगी, फिर थॉर्नडाइक साहब ने कर दिया तो 10 मिनट में करने लगी, फिर उन्होंने कर दिया तो 5 मिनट करने, फिर उन्होंने कर दिया तो वो तुरंत करने लगे। तो समझ गई कि इसको हम जब दबाएंगे तो गेट ओपन होगा और हम खा लेंगे। तो यही जो उसने बार बार प्रयास किया, बार बार उसने वो एक्टिविटी की, तो वो कहलाया प्रयास। और उसके बाद उसकी जो त्रुटियाँ थी, पहले 1 घंटे का समय लग रहा था, फिर 1/2 घंटे, तो त्रुटियाँ उसकी कम होती गई। यानी कि प्रयास करने से क्या होता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जो जितना प्रयास करता है उतना उसमें निखर जाता है। तो आपको बोलते हैं कि मैथ लगाइए, मैथ आपकी सही हो जाएगी, तो आप लेकिन लगाते नहीं हैं, तो दिक्कत आपको बढ़ जाती है। तो इसीलिए जितना आप जिस भी चीज़ में प्रयास करेंगे, हम उस चीज़ में उतना निखर जाएंगे। तो वही है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, जो थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। यहाँ तक आप सभी को बातें एकदम सिंपल सिंपल समझ में आ गई।
ये था जो मैंने उस दिन पढ़ाया था और रिविजन कर दिया आपका। अब आइए आज चलते हैं स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। अभी इस हेडिंग में ही एक प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, प्रतिपादक कौन है? तब आप मुझे बताएंगे स्किनर। इनका पूरा नाम है B.F. बुहास फेडरिक स्किनर। मैं नाम बता देती हूँ, भूलिएगा नहीं, ठीक है? बुहास फेडरिक स्किनर, B.F. स्किनर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के निर्माता, प्रतिपादक, जननकर्ता कौन? तो आप कहेंगे मैम स्किनर। पूरा नाम B.F. स्किनर, बुहास फेडरिक स्किनर। आपको प्रश्न बनेगा B.F. स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया, तब आप उसमें प्रश्न में लिखेंगे, बताएंगे मुझे कि मैम क्रिया प्रसूत अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत B.F. स्किनर ने दिया है। तो ये आपको नाम लिखने को भी आ सकता है और बहुविकल्पी में भी आ सकता है, तो दोनों तरीके से बन जाएगा। जब हमने शुरुआत की और प्रश्न मिल गए तो ध्यान रखिएगा। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये है बुहास फेडरिक स्किनर, देख लीजिए, ये है B.F. स्किनर, इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। ये हैं, इनसे मुलाकात हो गई हमारी। अब चलते हैं आगे कि इनकी वो थीसिस है, जो इनके सिद्धांत है, इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बातें कही हैं वो जानने का प्रयास करते हैं। इंटरेस्टिंग रहेगी क्लास, मज़ा आएगा। कल से जितना आपने पढ़ा है बेस्ट से बेस्ट सारे सिद्धांत आपको बताएंगे हम, लेकिन आपको आराम से पढ़ना होगा, समझना होगा, कोई प्रॉब्लम होगी बताना होगा, और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूला। तो जिन्होंने इतना अच्छा काम नहीं किया है वो फटाफट तब तक कर लें। आइए प्रतिपादक की बात करते हैं, तो B.F. स्किनर। प्रयोग वर्ष जो इनका रहा है 1938 के टाइम ड्यूरेशन में रहा है। प्रयोग इन्होंने चूहे पर किया है 1930 में और कबूतर पर किया है 1943 में। इन्होंने दो प्रयोग किए हैं, एक चूहे को किया है, एक पक्षी पर किया है। अब वो क्या है वो मैं आपको बताने चल रही हूँ। आइए, इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी अनुक्रिया को करने से सकारात्मक और संतोषजनक परिणाम मिलते हैं, हमें कह रहा है कि अगर कोई ऐसा, मतलब इस सिद्धांत में बात लिखी है कि कोई भी कार्य अगर हम कर रहे हैं और उस काम को करने के बाद हमको जो है सकारात्मक पॉजिटिव वाइब्स आए, मन में गुड वाइब्स आए, अच्छी फीलिंग आए, अच्छा महसूस हो, अच्छे थॉट्स चले, मन खुश हो, प्रफुल्ल हो एकदम, और संतोषजनक रहे, सेटिस्फाइड रहे उस चीज़ को करके, उसके रिजल्ट को देख के हम खुश रहें कि हमने कर लिया, मुझसे हो गया, मुझे मिल गया, हम वहाँ पहुँच गए, तो वह अनुक्रिया प्राणी बार बार करता है। अगर हमको किसी भी चीज़ को करने से सुख की प्राप्ति हो रही है, हमें सुख मिल रहा है, हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमें प्रशंसा मिल रही है, आदर सम्मान मिल रहा है, तो वही कार्य हम बार बार दोहराते हैं। और अगर हमें असफलता मिलती है, नकारात्मक रिजल्ट मिलता है, तो प्राणी उस कार्य को फिर दोबारा करने से बचता है, उसको दोहराता नहीं है, जिससे उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध कमज़ोर हो जाता है। फिर उससे क्या होता है कि उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच संबंध जो है वो कमज़ोर पड़ने लगता है, क्योंकि हमको जो रिजल्ट मिल रहा है वो अच्छा मिल ही नहीं रहा है, तो हम उस कार्य को नहीं करेंगे। तो यही बात यहाँ पर जो है स्किनर साहब ने प्रूफ की है। अब कैसे वो बताती हूँ। इस सिद्धांत के प्रतिपादक अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर B.F. स्किनर, ये अमेरिका के रहने वाले थे, ध्यान रखिएगा, 1938 में किया गया था। थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित प्रभाव के नियम पर आधारित है। थॉर्नडाइक साहब का जो प्रभाव का नियम है और इनका B.F. स्किनर का ये जो नियम है ना, ये कुछ समानता के साथ है। आइए देखते हैं फिर इसमें फ्रेंड्स आप क्या कह रहा है यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा। देखिए, थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम था उसमें भी यही बात कह रहा था कि हम वही कार्य को करते हैं जिसका प्रभाव हमारे ऊपर अच्छा पड़ता है। अगर हमें लग रहा है कि उस कार्य का प्रभाव हमारे ऊपर बढ़िया पड़ेगा, हम सक्सेस हो जाएंगे, सफलता हमें मिल जाएगी, तभी तो हम उस कार्य को बार बार करेंगे। नहीं मिलेगा तो हम क्यों करेंगे फ्रेंड्स, गलत कार्य क्यों करेगा कोई। वही बातें इन्होंने भी बोली हैं कि कार्यात्मक प्रतिबद्धता और साधक अनुबंध और नैमित्तिकवाद के नाम से भी ये लाइन इसमें मैंने ले ली, मैंने ध्यान नहीं दिया, चलिए कोई बात नहीं, ये टेट में आती है कि कार्यात्मक प्रतिबद्धता, साधक अनुबंधन और नैमित्तिकवाद के नाम से भी जाना। देखिए, जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है इसको कार्यात्मकता प्रतिबद्धता एक नाम से भी, साधक अनुबंधन के नाम से भी, और नैमित्तिकवाद के, ये नैमित्तिकवाद टेट के 19 के पेपर में आया, दिसंबर 19 में पेपर हुआ था 19 में, मैंने तब देखा है, नैमित्तिकवाद पूछा है कि नैमित्तिकवाद किस सिद्धांत को कहते हैं, तो देख लो मैंने यहाँ पर आज ही बताया कि कैसे कैसे चीज़ रिलेट करेगा, कितना बीच का घुस के पूछा हुआ, सोच सकते हो आप। इसीलिए बोल रहे हैं कि फ्रेंड ध्यान से पढ़ो,
इस सिद्धांत के अंतर्गत स्किनर ने सीखने की व्याख्या को दो रूपों में बांट दिया, एक प्रतीकात्मक व्यवहार में बांट दिया और एक क्रिया प्रसूत में बांट दिया। अब ये क्या है वो मैं आपको समझा देती हूँ, आप समझ जाएंगे। प्रतीकात्मक व्यवहार का मतलब होता है जो उद्दीपक के नियंत्रण में होता है, ठीक है, कि उद्दीपक जैसा रहेगा उद्दीपक उसको कंट्रोल कर लेगा, जबकि क्रिया प्रसूत प्राणी के व्यवहार की प्राणी की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर उद्दीपक को देख के कोई कार्य आप कर रहे हो तो वो उद्दीपक के कंट्रोल में फिर आप हो, और अगर आप अपनी इच्छा से कर रहे हो तो क्रिया प्रसूत कहलाएगा। तो यही है प्रतीकात्मक व्यवहार और क्रिया प्रसूत व्यवहार, दोनों में बहुत अच्छा बात बताया गया। अब मैं आपको बताती हूँ फिर समझोगे। ये देखो, ये चूहा है, इन्होंने ऊपर मैंने आपको बताया कि चूहे पर और कबूतर पर प्रयोग किया है, तो ये चूहा है। अभी मैं इसको समझाऊंगी, तब पहले जब आप यहाँ पर पढ़ लोगे तब। स्किनर ने एक भूखे चूहे को एक बॉक्स में बंद कर दिया, थॉर्नडाइक साहब ने बिल्ली को बंद किया, इनको चूहा मिला। ठीक है, चूहा बिल्ली का क्या खेल खेला है इन लोगों ने भी, मनोविज्ञान में सोच सकते हैं आप, क्या बात है। तो चूहे को इन्होंने क्या किया, एक बॉक्स में बंद कर दिया। भूख की तड़प से चूहा इधर उधर उछलता है, इस दौरान एक बार उछलने से चूहे के पंजे से लीवर दब जाता है और भोजन के टुकड़े उसे प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा कई बार उछल कूद करने से लीवर के दबने से चूहे को भोजन प्राप्त हो जाता है, और इस प्रकार बार बार भोजन मिलने से चूहा लीवर को दबाकर बाहर निकलने की कला को सीख जाता है, और वो जाकर भोजन चूहे के लिए प्रबलन और भूख उसके लिए प्ररोधक का कार्य करती है, और वो जाकर उसको खा लेता है। एक तो ये प्रयोग है, जैसा बिल्ली का सेम टू सेम था वैसे चूहे का भी है, ठीक है, जैसा बिल्ली का सेम टू सेम था एकदम वैसे चूहे का भी है। लेकिन चूहे का एक प्रयोग और है, देखो मैं आपको यहाँ पर एक प्रयोग ये बताई सिंपल तरीके से, एक प्रयोग मैं आपको और बताती हूँ। पता है क्या है, ये कहा जाता है कि ये तो प्रयोग है जो किताबों में मैंने कई जगह पढ़ा तब मैंने ये वाला लिया, लेकिन आप जब ठाकुर की किताब पढ़ोगे, मैंने साहित्य से नहीं देखा है, ठाकुर की किताब में यही चूहे के प्रयोग को दिया गया है कि एक बॉक्स रहता है, एक बॉक्स में चूहा बंद कर दिया जाता है और चूहे को बाहर निकलने के दो रास्ते रहते हैं, एक रास्ते पे लाइट जलती रहती है, एक रास्ते पे बहुत अंधेरा रहता है। तो लाइट जहाँ पर जलती रहती है उसका प्रकाश इतनी तेज़ रहता है कि चूहा वहाँ से जा नहीं पाता है, ठीक है, जा नहीं पाता, और अंधेरे वाले रास्ते से उसको और रास्ता दिखता ही नहीं, तो चूहा निकले कहाँ से। तो लेकिन एक बार जब चूहा क्या करता है, बार बार प्रयास करता है कि, लेकिन फिर उसके बाद उसको अंधेरे वाला रास्ता समझ में आ जाता है और अंधेरे वाले रास्ते से वो निकल आता है, क्योंकि जब लाइट वाला रास्ता रहता है ना उससे बड़ी दिक्कत होती है, इतनी चमकती रहती है, चौंधी आती रहती है लाइट का रास्ता कि वो निकल ही नहीं पाता है, और जो अंधेरे वाला रास्ता होता है उसको देख नहीं पाता है। दो बिल बने होते हैं बॉक्स में, लेकिन वो प्रयास करते करते मेहनत करते करते ढूंढते ढूंढते अंधेरे वाले रास्ते पर पहुँच जाता है और उस छेद से फिर वो होल से वो बाहर निकल आता है। तो ये दो आपको इनके बारे में देखने को मिला है। तो यही है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, तो चूहे पर प्रयोग किया गया था, वो भी बी एफ स्किनर ने किया सिंपल तौर पर। अब मैं आपको बताती हूँ कबूतर पे भी किया। ये देखिए, इन्होंने कबूतर का भी सेम है, स्किनर का कबूतर का प्रयोग, इन्होंने एक बॉक्स लिया जिसको पिजन बॉक्स कहते हैं, उन्होंने क्या किया, एक कबूतर को लेकर बॉक्स में बंद कर दिया। अब इसका क्या प्रयोग है ये देखते हैं। स्किनर ने अपने प्रयोग में भूखे कबूतर को एक बॉक्स में बंद कर दिया। बॉक्स में कबूतर शांत होकर बैठ गया। कुछ समय बाद बॉक्स में प्रकाश किया गया, मतलब पहले तो चुप मार के बैठ गया वो, फिर उसके बाद बॉक्स में लाइट मारी गई। प्रकाश होते ही कबूतर ने जगह जगह चोंच मारना प्रारंभ, जैसे उसको लाइट दिखने लगी, जैसे उसको उजाला दिखने लगा, तो कबूतर बार बार उस पर टक 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 करके चोंच मारने लगा जो उसकी चोंच थी। इस प्रयोग से स्किनर का लक्ष्य रखा कि कबूतर दाहिनी ओर घूमकर एक पूरा चक्कर लगाकर एक निश्चित स्थान पर चोंच मारना सीख जाए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब कबूतर ने स्वयं दाहिनी ओर घूमकर चोंच मारनी शुरू कर दी तो अनाज का दाना उसको प्राप्त हो गया, और इस दाने के द्वारा कबूतर को पुनर्बलन प्राप्त हुआ, उसको मतलब रेनफोर्समेंट आया, और बार बार प्रयत्न करने का वह सही स्थान पर चोंच मारना सीख गया। क्योंकि जब उसको एक बॉक्स में बंद किया गया तो चोंच मारने से उसको एक ही जगह पर दाना गिरता था, सब जगह दाना नहीं मिलता था। जैसे कि ये ऊपर दिखाऊं तो ये देखो, ये यहीं पे उसको बार बार यहाँ पर चोंच मारने से खुलता था कुछ, ये अंदर की तरफ इस पर मारेगा चोंच तो ये खुल जाएगा, इसमें तो दाना खा लेगा फिर ही बंद हो जाएगा। तो कुछ इसी तरीके का ये हुआ करता था, तो ये कबूतर करता था। तो स्किनर ने यही कहा है, क्रिया प्रसूत व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए स्किनर ने चूहों और कबूतर पर बहुत सारे प्रयोग किए।
इन्होंने बहुत विभिन्न विभिन्न तरह के प्रयोग कबूतर और चूहे पर किए और इसके प्रयोग के बाद स्किनर ने यह भी स्पष्ट किया कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि जब प्राणी की समझ में कोई उद्दीपक प्रस्तुत हो तभी वो प्राणी अनुक्रिया करे। इन्होंने बोला कि ये ज़रूरी नहीं है कि उसके सामने कोई उद्दीपक होगा तभी वो प्रतिक्रिया करेगा। इन्होंने ये भी बात बोल दी है, ठीक है, कि आप उद्दीपक रखोगे तभी कोई कार्य होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। वातावरण में कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जो हमेशा क्रियाशील है। इस वातावरण में कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जो हमेशा एक्टिव रहते हैं और उनकी इस क्रियाशीलता के फलस्वरूप उन्हें परिणाम या उद्दीपक की प्राप्ति भी होती है। उन्हें फिर जब कोई बच्चा कार्य करने के लिए एकदम अग्रसर है, हर बार कार्य करने में सक्षम है, तो उसको रिजल्ट भी मिलता है। स्किनर के इस प्रयोजन को हमेशा सक्रिय और क्रियाशील रहते हैं। इसी कारण सिद्धांत को क्रियाशीलता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। ये दोनों नाम भी आप मत भूलिएगा। इसको ये वाले नाम से भी जाना जाता है और सक्रिय अनुबंधन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि यहाँ पर B.F. स्किनर ने दिया। अब एक छोटा सा बात है, इस सिद्धांत को RS थ्योरी भी कहते हैं। RS थ्योरी यानी कि अनुक्रिया और उद्दीपक कहा जाता है। स्किनर के सीखने के क्षेत्र में पुनर्बलन का विशेष मान, स्किनर ने पुनर्बलन पर बड़ा फोर्स ज़्यादा दिया है। इन्होंने कहा कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो, आपको पुनर्बलन मिल रहा है, आपको खुशी हो रही है, तो आप उस कार्य को बार बार करोगे। स्किनर ने पुनर्बलन को सीखने का राजमार्ग कहा जाता है और स्किनर का यह सिद्धांत अभिक्रमीय अनुदेशन पर आधारित होता है। तो ये स्किनर साहब की थीसिस थी जो मैंने आपको पूरी बताई, इन्होंने क्या कहा। तो कुछ संबंधित प्रश्न हैं यहाँ पर जो मैंने लिए हुए हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, बाद में फिर मैं आपको दूसरा बताऊंगी जो नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अभी तक पहले यहाँ पर आइए तो बताते हैं, क्या समझा आपने? आपने जो स्किनर का ये सिद्धांत मेरे से यहाँ पर आज पढ़ा, आज किस क्लास में क्या सीखने को मिला कि थॉर्नडाइक साहब और स्किनर साहब लोग कर क्या रहे हैं? आखिर कुछ समझ में आ रहा है? ये बार बार ये सिखाना बताना चाह रहे हैं या दिखाना चाह रहे हैं दुनिया को, देश को, कि आप कोई भी कार्य अगर मन से, लगन से, चाह से, हिम्मत से, इच्छा से करोगे तो आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। देर से भले मिलेगी लेकिन दुरुस्त सफलता मिलेगी, फिर आप उसमें प्रगाढ़ विद्वान हो जाओगे, उस चीज़ की पकड़ को पकड़ लोगे। तो यही चीज़ जो है थॉर्नडाइक साहब भी कहे कि जो है बार बार प्रैक्टिस करने से हम परफेक्ट बनते हैं, तो भी बैक बिल्ली के ऊपर प्रयोग करके दिखाए, और B.F. स्किनर साहब चूहे और कबूतर पे करके दिखाए कि उनके सामने ये चीज़ उद्दीपक था तो उन्होंने कार्य किया है। तो ये दोनों के आप देख सकते हो कि काफ़ी सिमिलरिटीज हैं इनके सिद्धांतों में। ये बस बार बार प्राणी को, मनुष्य को सिखाने का प्रयास और बताने का प्रयास अपनी तरफ से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है पूरा प्रयोग। प्रश्न बनता है किसके ऊपर किया, कब किया, क्या किया, क्या समझते हैं आप, तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। आइए जैसा प्रश्न में कुछ लाई हूँ तो दिखा देती हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। पहला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसने दिया? ये आपके एक नंबर में बहुविकल्पी में लिखने को बन सकता है, तो उत्तर में आप बताएंगे B.F. स्किनर ने दिया। किसने दिया? B.F. स्किनर ने। दूसरा प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं? तो इसे अनुक्रिया उद्दीपक के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में RS थ्योरी जानते हैं, यानी कि रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी है, ठीक है, भूलिएगा नहीं। स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया है? तो कबूतर पर किया है, चूहे पर किया है, दोनों आप लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, अधिगम का पुनर्बलन सिद्धांत नाम से कौन सा सिद्धांत जाना जाता है? तो स्किनर का सिद्धांत अभी मैंने बताया कि इन्होंने पुनर्बलन बार बार उसको बल देना, बार बार उसको बल देना कि नहीं आप कर लोगे, यू कैन डू इट, यू डू इट, यू, तो बच्चा करने लगता है। तो वही चीज़ है कि अधिगम का पुनर्बलन का सिद्धांत ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो पुनर्बलन का सिद्धांत कहलाता है, ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी कहलाता है इंग्लिश में कहते हैं इसको, तो वो है स्किनर का सिद्धांत कहलाता है। पांचवा प्रश्न है, स्किनर का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो स्किनर का जो सिद्धांत है वो उद्दीपक, अनुक्रिया व संबंधवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। उद्दीपन, देखो अच्छा फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बता देती हूँ, नहीं तो आप हमेशा कन्फ्यूज़ रहोगे, नहीं तो आप गलत दिमाग में धारणा कर बैठा लोगे ना, तो कोई निकाल नहीं पाएगा आपके मन से। ये है उद्दीपक और ये है उद्दीपन, दोनों में ना और का फ़र्क है, दोनों एक चीज़ नहीं है। मैं अभी फिर बोल रही हूँ, दोनों सिमिलर नहीं, क्यों? क्योंकि उद्दीपक का मतलब है कि हमारे सामने बढ़िया बच्चा रखा और मैं यहाँ बैठ के कार्य कर रही हूँ, मैं एक घंटे दो घंटे इंतजार करूँगी, जब लगेगा कि मुझसे बर्दाश्त नहीं रहा मैं जाऊँगी उसको अवन में डालूँगी और आराम से खा लूँगी, बाकी जो होगा हम देख लेंगे, डांट पड़ेगी तो डांट खा लेंगे, नहीं डांट पड़ेगी तो हम बाहर से ऑर्डर कर देंगे, दूसरे के लिए आ जाएगा वो चलेगा। लेकिन अगर हम कार्य कर रहे हैं और ठीक है तबीयत ना ख़राब हो तो हम वो बच्चा खा लेंगे, चाहे जो भी हो जाए, बस थोड़ा सा हमको हिंट मिल जाए तो हम आराम से उसको गप्पा गप्पा खा लेंगे। हम सही बात बता रहे हैं।
तो वो ये जो पिज्ज़ा रखा था ये मेरे लिए उद्दीपक था। लेकिन सुनो, अब आपको, अब ये तो उद्दीपक की बारी आ गई, लेकिन जैसे उद्दीपन क्या होता है पता है, रिजल्ट जो मिलता है, जैसे हमने कोई कार्य किया, हम थोड़ा कार्य करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, कार्य पैशन है मेरा, मुझे मज़ा आता है, कमाने का जरिया तो मेरा दूसरा है, ठीक है, जब हम उसके तो इस तरह के करते हैं तो आप लोग इतना प्रेस करते हैं, मैम ये अच्छा है वो अच्छा, तो मुझे खुशी मिलती है ना, तो जब मुझे खुशी मिलती है तो मैं उस खुशी के लिए आपको क्या करती हूँ, और ज़ोर से हिम्मत के साथ अच्छे तरीके से आपको क्लास देती हूँ, तो आपका वो जो रिस्पॉन्स मुझे निकल के आता है, वेरी नाइस मैम, थैंक यू मैम, ये मैम वो मैम, जो निकल के आता है वो मेरे लिए उद्दीपन होता है। और उसी के इसीलिए मैं कहती हूँ कि फीडबैक ज़रूर दिया, क्योंकि आपके छोटे छोटे फीडबैक आप दिल से देते हो फ्रेंड्स, इतने बड़े हो, दूध पीता बच्चा कोई नहीं है ना यहाँ पर, सब ग्रेजुएशन करके यहाँ पर आए हुए हैं, और मैं यहाँ पर अगर यहाँ को ऐसे झूठी बात बताऊँगी, आप मेरी बात में आ जाओगे क्या, कभी नहीं ना, बेवकूफ़ थोड़ी हुई बैठा है यहाँ पर। तो वो जो बात आप लिखते हो, जेनविनली लिखते हो ना, तो जब वो बात आप लिख रहे हो तो वो मेरे लिए क्या है, उद्दीपन है, ठीक है, तो मैं उसको देख कर फिर कार्य करने का प्रयास करती हूँ कि नहीं लाओ मुझे उस बच्चे के लिए करना है। लेकिन ये पिज्ज़ा जो रखा था, उस पिज्ज़े को देख के मैं मतलब बस मुझे खाना है खाना है, तो वो पिज्ज़ा मेरे लिए उद्दीपक है। तो उद्दीपक और उद्दीपन में फ़र्क होता है, मैंने पूरी तरीके से आपको बताया, आई होप आप समझ पाए होंगे कि उद्दीपन क्या है और उद्दीपक क्या है। इसीलिए उद्दीपक की बात थोंडाइक के सिद्धांत में की गई, और उद्दीपन की सिद्धांत, उद्दीपन शब्द की जो बात है वो स्किनर के सिद्धांत में की गई है, इसीलिए इसको पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, आज का ये सिद्धांत होता है ओवर, टॉपिक होता है ओवर, मैंने दो सिद्धांत से आपको बता दिया, करवा दिया, अब नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो नया वाला सिद्धांत जो बचा है वो करेंगे, नई बातों को देखेंगे, कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछिए, आपका हो जाएगा सोल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।